मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में शिल्पा शिंदे और हिना खान हर छोटी छोटी बात पर भिड़ती नजर आती हैं। दोनों ही इस शो को जीतने की प्रबल दावेदार भी हैं। लेकिन अब जो हुआ उस पर हिना और शिल्पा के बीच में लड़ाई की वजह बनी अर्शी खान। दरअसल शिल्पा शिंदे पहले दिन से ही घर का किचन संभाले हुए सबको नजर आ रही है। खाना बनाते वक्त एग करी में करी को बढ़ाने के लिए शिल्पा शिंदे ने ठंडा पानी डाल दिया। इस पर अर्शी खान ने शिकायत कर दी हिना खान को जाकर और कह दिया कि उन्होंने कच्चा पानी एग करी में करी बढ़ाने के लिए डाल दिया। इसके बाद हिना ने जब पूछा कि क्या वो पानी टैप से यानी कि सीधा नल से लेकर डाला गया, तो अर्शी ने बताया कि हाँ, वो खाने में हमेशा ही नल का पानी प्रयोग करती है न कि आरओ का। इस पर हिना खान ने शिल्पा पर आरोप भी गढ़ दिया कि हम शिल्पा की वजह से ही बीमार हैं, क्योंकि वो टैप का पानी यूज करती हैं, आरओ का नहीं। इस बात को लेकर वो शिल्पा के साथ किचन एरिया में भिड़ती नजर आई और उन्हें कहा कि आज के बाद आप सिर्फ आरओ का पानी ही यूज करेंगी। इस पर शिल्पा ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर आरओ का पानी यूज करवाना है तो सुबह बर्तन में भर के रखो या फिर किचन संभालो। अब विकास के सामने एक बार फिर से समस्याएं आ गई, क्योंकि शिल्पा ने कह दिया है कि अब वो किचन एरिया में आपको नजर नहीं आएंगी, अब वो खाना नहीं बनाएंगी, अब हिना खान और अर्शी खान ही किचन को संभालेगी। देखना अब ये होगा कि शिल्पा, जो पूरे 2.5 महीने से लगभग 25,000 रोटियां इस घर में बेल चुकी हैं, उनकी जगह पर क्या कोई हिम्मत करेगा कि पूरे घर वालों को खाना खिलाए, और अगर खिलाए भी तो किस तरीके से। इस लड़ाई का अंजाम जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि शिल्पा की जगह किचन में लेना किसी के बस की बात नहीं है। अब हिना खान क्या करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही।